आपने अक्सर देखा होगा कि जो नेवला होता है और स्नेक, जब भी इनमें फाइट होती है तब नेवला ही हमेशा जीतता है और उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या सच में होता है, और अगर ऐसा सही है कि नेवले पे सांप का जहर असर ही नहीं करता तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो सांप का जहर होता है वो हमारे बॉडी के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे जाके ब्लॉक हो जाता है और वो एसिटाइल कोलीन को उन रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होने देता। इसकी वजह से मसल को सिग्नल नहीं मिल पाता और हम पैरालिसिस से डेथ हो जाती है। सो दैट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट। अब जो मोंगूज के जो एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स हैं उनमें म्यूटेशंस के कारण कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज हो गए हैं जिनकी वजह से जो स्नेक का जो वेनम है वो उन रिसेप्टर्स पे बाइंड ही नहीं कर पाता, और जब बाइंड नहीं कर पाता तो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसीलिए मोंगूस की डेथ नहीं होती सांप के काटने से। अब ये तो चलो छोटी सी बात हो गई, अब बात करते हैं कि ऐसे क्या चेंजेस आते हैं उनके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स में जो ह्यूमंस में नहीं है, और अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वैसा करने में सक्षम हो जाएं तो हम एक पॉसिबिलिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम स्नेक के वेनम से बच पाएं। सो लेट अस स्टार्ट सी इन दिस डायग्राम। तो जो हमारे एसिटाइल कोलिन के निकोटिनिक टाइप रिसेप्टर्स होते हैं वो चार सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, अल्फा टू बीटा गामा डेल्टा, और जो एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग साइट होती है और जो बेसिकली हमारा जो टॉक्सिन बाइंडिंग साइट होती है वो बिटवीन दिस टू अल्फा सब यूनिट्स होती है। तो इन अल्फा सब यूनिट के बीच में ही जो वेरिएशन आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि हम टॉक्सिन को बाइंड करेंगे वो रिसेप्टर्स या फिर नहीं करेंगे। अब देखिए जो ह्यूमंस हैं उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं एज अ टॉक्सिन बाइंडर्स, जो टॉक्सिन को बाइंड करेंगे, और जो मोंगूज है वो नॉन टॉक्सिन बाइंडर। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो रिसेप्टर्स हैं वो अल्टीमेटली काय के बने होंगे, प्रोटीन्स के, और प्रोटीन अल्टीमेटली किसके बने होंगे, अमाइनो एसिड के। तो वो जो अमाइनो एसिड की जो चेन होगी उसमें सीरियल नंबर वाइज हम अमाइनो एसिड को प्लेस करते हैं कि सब फर्स्ट नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, ऐसी अमाइनो एसिड की चेन चली है। तो इनमें से तीन इंपॉर्टेंट पोजिशन है जो डिसाइड करती हैं कि जो टॉक्सिन है, जो स्नेक वेनम है, वो बाइंड करेगा उस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे या फिर नहीं करेगा। वो कौन सी प्लेसेस हैं? सो एज यू कैन सी दीज आर द पोजिशन 187, 189 एंड 194 विच आर द मेजर सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस ऑल्सो इन द स्नेक। यानी स्नेक भाई, स्नेक को अपने जहर से भी बचना है तो स्नेक और मोंगूस के अंदर इन तीन अमाइनो एसिड की प्लेसेस पे वेरिएशंस आ जाते हैं, या फिर यूँ कह लो सब्सटीट्यूशन आ जाते हैं कि जो नॉर्मल अमाइनो एसिड वहाँ पर होने चाहिए उनकी जगह कोई और अमाइनो एसिड वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो टॉक्सिन उन पर बाइंड नहीं कर पाता और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवा पाता। अब वो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले पोजिशन 194, नॉर्मल ह्यूमंस या फिर टॉक्सिन बाइंडर्स में वो पोजिशन होती है प्रोलीन। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, और जो मोंगूज और स्नेक है उनमें ये पोजिशन बदल के किससे हो जाती है? ल्यूसीन। तो यानी पहला चेंज कहाँ आया? पोजीशन 194 पे, जहाँ पर हम हमारे अंदर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर प्रोलीन अमाइनो एसिड है बल्कि मोंगूज में ल्यूसीन है, पहला ये। अब बात करते हैं हम दूसरे रिसेप्टर की, ठीक है, 187 एंड 199। ठीक है, अब यहाँ पर अरोमेटिक अमाइनो एसिड चेंज हो जाते हैं, जैसे पोजीशन 189 पे टायरोसिन या फिर फिनाइल एनिलीन होने चाहिए थे। ठीक है, नॉर्मल हमारे अंदर कौन कौन से हैं? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, लेकिन जो मोंगूज है उनके अंदर कहाँ है? थ्रियोनिन, और एस्पारजीन है स्नेक्स के अंदर। सो ये चेंज फिर से आ गया, और जो 189 पे टायरोसिन होना चाहिए उसकी जगह वहाँ पर क्या आ गया? एलेनिन या फिर ग्लाइसिन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस या फिर वेरिएशंस की वजह से टॉक्सिन वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता उन रिसेप्टर्स पे और अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इन वेरिएशंस की वजह से जो नॉर्मल एसिटाइल कोलीन है वो भी उन पे बाइंड नहीं कर पाता उन रिसेप्टर्स पे? लेकिन इसका आंसर नहीं, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स वहाँ पर नॉर्मल हमारा जो लाइगेंड है एसिटाइल कोलीन इसको बाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं वो डिफरेंट है। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन शुड बी कंजर्व ऑल्सो इन दीज रिसेप्टर्स।
विच इंक्लूड्स टायरोसिन एट द 190th पोजिशन, सिस्टीन एट 192 एंड 193 पोजिशन, टायरोसिन एट 198th पोजिशन। तो अगर ये तीन अमाइनो एसिड इन प्लेसेस पे कंजर्वड हैं तो यानी वो रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन को तो बाइंड करेंगे, लेकिन अगर 187, 189 और 194th अमाइनो एसिड्स पे अगर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा तो वहाँ पर टॉक्सिन बाइंड नहीं कर पाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाते हैं मोंगूस के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स में, जिनकी वजह से वो बाइंड नहीं कर पाते। सो दैट इज द मेन रीज़न। अब इससे हमें क्या सीख मिल सकते हैं कि अगर अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मोंगूस जैसा बना सकते हैं, तो हमें स्नेक के एंटी वेनम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम क्या कर सकते हैं, इन रिसेप्टर्स को, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो टॉक्सिन को बाइंड करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें, और जब भी हमें स्नेक बाइट हो हम तुरंत उसका डोज कर दे दें पेशेंट को, और जिससे वो हमारे जो एंडोजीनसली प्रोड्यूस रिसेप्टर्स हैं उन पर बाइंड ना करके इन पर बाइंड कर जाएं, और नॉर्मली जो मसल से अटैच रिसेप्टर्स हैं उन पर कोई इफेक्ट ना हो। और अपन क्या कर सकते हैं, इसमें फर्दर रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। इफ़ यू हैव एनी आइडिया डू मैंशन दैम इन द कमेंट सेक्शन।